Good morning everyone. I'm Dr. Sadhana Sharma, HOD Apollo Cradle Hospital, Miracles Healthcare. आज यहाँ पे हम एकत्रित हुए ये बताने के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग आपके और आपके शिशु के लिए क्यों लाभदायक है। देखिए, जो जब डिलीवरी हो जाती है तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट भी प्रिपेयर होती है फ्यूचर प्रोसेस के लिए, जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान। शुरू के 2 से 3 दिन ब्रेस्ट में से जो मिल्क निकलता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। वो काफ़ी गाढ़ा होता है। हो सकता है आप जब बच्चे को फीड कराओ तो आपको ऐसे विजिबली मिल्क ना दिखे, क्योंकि वो बहुत थिक सिक्रेशंस होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आगे चल के बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, स्किन डिजीजेज और जो लंग की डिजीजेज होती है, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करता है। सो कोलोस्ट्रम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जैसे ही बर्थ होता है हम कोशिश करते हैं एज सून एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट किया जाए। जनरली 3rd डे पे मिल्क फ्लूइडी कंसिस्टेंसी पे आ जाता है, एंड ये मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन इस तरीके से है कि वो बच्चे के लिए पर्याप्त मील है। आपको ऊपर से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट नो अदर मिल्क कैन बी सेम एज मदर्स मिल्क। चाहे कई लोगों में प्रथा होती है कि काओ मिल्क देना है, या इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो मदर का मिल्क होता है दैट इज दी बेस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि इट इज अवेलेबल 24 आवर्स, यू नीड नॉट हीट इट, बिल्कुल उसी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे बच्चे का रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर कैल्शियम और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी एब्सोल्युटली राइट क्वांटिटी में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि जब मदर मिल्क पिलाती है बच्चे को तो ऑब्वियसली जो उसके बाकी चेंजेस होते हैं बॉडी के, जो यूट्रस हमारा बढ़ा हुआ होता है, वो वापस नॉर्मल अपनी पोजिशन पे और अपने साइज पे पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेस्ट फीडिंग। एंड ऑफकोर्स ये जो बॉन्डिंग है दैट ऑल्सो इज एनहांस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ बेबी इज अ यू नो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द मदर एज वेल एज द बेबी। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपका इतना ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है कि आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, एंड दिस हेल्प्स यू इन रीगेनिंग योर प्री प्रेगनेंसी वेट। सो विद दैट आई थिंक वी शुड ऑल प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा असेंशियल है, तो जैसे ही शिशुजात अब जन्म होता है अब तुरंत जितना जल्दी हो सके हमको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए। बी अवेयर। थैंक यू।